दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय हीरा बैंकेट हॉल फुली एयर कंडीशनर एट सैयद अली चबूतरा नियर शाहगास होटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है A18 तेलंगाना न्यूज़ के ख़ास ख़बरनामे पर। आज 22 जून ट्यूसडे का दिन है, आइए नाज़रीन देखते हैं आज का ख़ास ख़बरनामा। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर का खौफ बढ़ते जा रहा है और उसी बीच खम्मम के ज़िलों में 0 से 12 साल के उम्र के दरमियान बच्चों को कोरोना वायरस मुतासर कर रहा है। ऑफिशियल्स के मुताबिक कुल 880 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं अप्रैल से मई के महीने के दरमियान, और जून के महीने तक की गिनती की जाए तो 1480 हो गए हैं, यानी अब 1480 बच्चे कोरोना पॉजिटिव है। ये बात तब सामने आई जब सर्वे किया गया घर घर जाकर। 16,302 कोरोना पॉजिटिव केसेस में से कुल 1,480 मासूम बच्चे कोरोना से मुतासिर हैं और ये तीसरी लहर का अंदेशा हो सकता है। बताया जा रहा है कि जिन बच्चों को कोरोना हुआ है उन्हें हल्के सिम्टम्स से कोरोना वायरस के और हालात काबू में हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने उन तमाम पॉजिटिव बच्चों को COVID-19 वार्ड में शिफ्ट कर दिए हैं। DMHO डॉक्टर बी मालाती ने कहा कि कोरोना से मुतासर बच्चे बहुत जल्दी रिकवर हो रहे हैं, कोरोना से 100% बच्चे जल्दी रिकवर हो रहे हैं, लेकिन सर्वे इस बात का पूरा उल्टे नतीजे बता रही है। तेलंगाना रियासत में लॉकडाउन के दौरान गाड़ियां जब्त किए गए थे, उसी ताल्लुक से आज तेलंगाना DGP महेंद्र रेड्डी IPS ने ऑर्डर्स जारी किए तेलंगाना पुलिस को, और तेलंगाना पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान जब्त हुए गाड़ियों को रिहा किए लेकिन गाड़ियों के मालिकों को जुर्माने की भरपाई करने पड़ी। तेलंगाना रियासत से लॉकडाउन ख़त्म होने के बावजूद तेलंगाना रियासत में 190 माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स मौजूद है और नलगोंडा में 41 सबसे ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन मौजूद है और महबूब नगर में 32 माइक्रो कंटेनमेंट जोन मौजूद है। 24 कोत्तागुड़ियम में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स शामिल हैं और 17 जगेतल में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स मौजूद है और 10 हैदराबाद और सिरसिला में माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स मौजूद है। जो इलाके में कोरोना पेशेंट्स है और वो पूरा इलाका कोरोना से मुतासर हो जाता है तो वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाता है ताकि कोरोना फैले ना। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले 2 हफ्ते बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं और नाजुक हो सकते हैं, और तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश की है कि कोरोना केसेस पर नज़र रखें, ये तरीक़ा कोरोना के फैलाव को काबू में कर सकता है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR का सपना हुआ मुकम्मल। शहर हैदराबाद में सेक्रेटरीट की नई इमारत का कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। इस बार सेक्रेटरीट में ख़ास अल्ट्रा मॉडर्न सहूलियात के साथ बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 5 मेंबर्स की गैंग को हिरासत में लिया गया जो गैर कानूनी और मंगनुमा ऑनलाइन बेटिंग कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग PSL क्रिकेट मैच में। ये गिरफ्तारी ट्यूसडे के दिन साइबराबाद पुलिस की जानिब से अमल में आई। एक ख़ास इतला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम और बच्चूपली पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर्स ने मिलकर छापा मारा उस मुकाम पर, और ऑर्गेनाइज़र के समेत काम करने वालों को भी गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार IPS ने आज केयर हॉस्पिटल का दौरा किए, वहां कांस्टेबल से मिले। वो कांस्टेबल घुड़सवारी करने के दौरान अचानक गिर गया था और शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इस मौके पर अंजनी कुमार IPS उस कांस्टेबल की तबीयत का जायज़ा लिए केयर हॉस्पिटल में, साथ ही केयर हॉस्पिटल के इंतजाम का मुआयना किए। पेशेंट का नाम के डिगम्बर है, 35 ईयर्स ओल्ड है, ऑक्टोपस में करते ड्यूटी, जियागुड़ा में रहते हूँ, माउंटेन में करते हैं, तो जियागुड़ा में घर है उनका, ये क्या बोलते हैं गोशामल में जॉब है इनका। जुम्मे के दिन शाम में ड्यूटी करके आए, ड्यूटी करके आने के बाद में घर में बच्चे के साथ खेलते हैं, अच्छा उठाए करे, बाहर बैठे चाय वाई पिए, सब अच्छा ही बात करें। वॉशरूम जाके आता हूँ, जाके आने के बाद में एकदम ज़्यादा पैर उनका एकदम बैलेंस आउट हुआ। उनका छोटा भाई भी होमगार्ड है, इन्हें भी होमगार्ड ही है, उनको एकदम पकड़ लिया, क्या हुआ देखे तो अनकॉन्शियस हो गए। फिर बाद में यहाँ जियागुड़ा में नज़दीक यही है बोल के हॉस्पिटल को लेके आए, लेके आने के बाद में CT स्कैन वगैरह वगैरह करने के बाद में बोले इनका हाई BP की वजह से नस फट गया, दिमाग फट गया, इनका सर्जरी करना पड़ता बोल के बोले। सर्जरी के लिए फिर पैसे बने, बोले पैसे बने फिर सर्जरी करें। उसके बाद में अभी फिर कल ACP साहब आए थे, उनसे बातचीत किए,
फिर अभी थोड़ा वेटिंग में है उसके लिए। आप कौन है? मैं उनका जीजा हूँ, ये उनके माता जी हैं, जो उनके छोटे भाई है, उन्हें भी हेड होमगार्ड है, उन्होंने सुनील है उनका। अरे भाई सडन स्ट्रोक आ गया, जो हो सकता है उनकी तरफ से अच्छा करते हैं, बोलकर डॉक्टर से बात करें। आप क्या है उनके? सगे छोटे भाई हैं, दिगंबर के छोटे भाई हैं, सुनील है इनका, उनके माता जी हैं। हिंदी 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 तो 5 बजे ड्यूटी में से आया, बच्चे को लेके बाहर फिरा, फिर आके मेरे को दिया बच्चे, चाय पिया, फिर एकदम बाथरूम में जाके आके ऐसा बाल ऐसे ही हो गए, उन्हें पकड़ लिया। जैसे हम देखे ऑटो आने पहले पूरा हता पाओ ऐसा लग रही था, बात तो नहीं करा, फिर इधर लेके आए। अभी कितना पेमेंट बने? अभी तक पेमेंट देखो भाई, पहले दिन आए जब 50 बने, दूसरे दिन 1.5 लाख बने, फिर कल फिर 50 बने, फिर आज 40,000 बने, 2,90,000 रुपये बन दिए, कल शाम तक 1,20,000 बोले थे, अभी फिर 40-50 क्या बड़ा नहीं मालूम है, फिर 50 बने बोले थे, पैसे नहीं थे हमारे पास, बहुत मुश्किल से ये भी 40,000 करे, ऑलमोस्ट 3 लाख तक बन दिए, डेली का उन्होंने 60,000 से 70,000 होता बोल के बोले, वेंटिलेटर पर है, ICU में है। तो ACP साहब आके क्या बोले? ACP साहब बात नहीं करे, थोड़ा ठहरे बोले, ऊपर गए फिर हम पीछे गए, बड़े जो जो कंसर्न डॉक्टर थे सबसे बुलाए, फिर बातचीत की, हम बाहर ठहरे हुए थे, बोला बोले अब आज तक तो कुछ पहले का ट्रीटमेंट चल रहा था, फिर अभी कल से फिर एक CT स्कैन निकालने के बाद में दूसरा अलग उनका ट्रीटमेंट चालू करते बोल के बोले। फिर हम लोग से बोले इन माता जी ऐसा बोल के मिला है तो ठीक है, अम्मा परेशान मत हो जाओ, हमने बात किया, कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा ही होगा आपका, परेशान मत हो, भगवान से प्रार्थना करो, बोल के गए साहब, CP साहब आए बोल के गए। फिर कल CT स्कैन निकालने वाले हैं, कहते निकालने के बाद फिर क्या बोलते देखना है। अभी अमाउंट भरो बोल के बोल रहे हैं, और आज बोले थे 50 बनो बोले थे, 40 बन दिए, अभी पैसे का थोड़ा मुश्किल है, और बाकी का भी कितना बैलेंस है नहीं मालूम, 1 लाख है, 1.5 लाख है नहीं मालूम। अभी भाई का इम्प्रूवमेंट कैसा है? भाई का इम्प्रूवमेंट तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, कुछ उतना खास नहीं है, अभी क्या है उन्होंने अभी तक होश में आना था, बोल रहे थे जो डॉक्टर सर्जरी किया, आज दोपहर में काउंसिलिंग किए थे हमको बुला के, बोले आज आज तक तो अभी 3 दिन हो गया, आंखा वाई खोल के देखना चाहिए था, नहीं है खाली उनका गर्दन हो हिला रहे, कभी कभी हाथा हिला रहे, ऐसा पैदा मार ले, थोड़ा बहुत है हल्का, आँख खोल के देखे तो अच्छा था, जल्दी रिकवरी हो जाता बोल के बोले। अभी क्या बोले, कल एक बार CT स्कैन निकालेंगे, सर में जो फटके जो ब्लड आ रहा ड्रेन होने के लिए पाइप भी लगाया, कल सुबह में देखेंगे इसका क्या है स्टेटस, देख के उसके बाद में फिर हम लोग कुछ एक्शन लेंगे बोल के ऐसा बोले साहब। मुँह में पाइप है, 1-2 दिन तक देखेंगे, अगर उन्हें होश में आ गए, आँखा खोले देखे पहचाने तो ठीक है, नहीं बोलता वो इन्फेक्शन हो सकता है उनके गले का, जो पाइप डाले तो निकाल के यहाँ पे होल डाल के यहाँ से पाइप डालेंगे बोल के बोले। अभी क्या है 2 दिन में आ गया होश तो अच्छा है, उनको जल्दी रिकवर हो जाते, अगर 2 दिन के बाद में थोड़ा नहीं आया समझो, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता बस, और कुछ नहीं है बोल के बोले। हार्ट बीट उनका ठीक है, वो BP की वजह से हुआ, BP अभी कम ज़्यादा हो रहा है बोले तो, वो पाइप लगाए ना मुँह में उसकी वजह से BP कम ज़्यादा हो रहा उनका, एक बार फिर वो थोड़ा कॉन्शियस से निकल के एक बार देखे करे वो उन्होंने पहचान है तो उसके बाद में BP सही होता बोल के ऐसा बोले साहब। कल CT स्कैन आता, कल CT स्कैन निकालने के बाद में आपको बाकी का प्रोसीजर बताते बोल के। After successfully spreading education since 12 years, renowned educationalist Mr. Partha Sarthi, Director Success Junior College brings you Success Junior College for Girls affiliated to Board of Intermediate, Success Degree College for Women affiliated to Osmania University. Latest educational infrastructure, fully furnished and sanitized AC classrooms, spacious computer lab and science lab where you can engage your passion with respect and encouragement. Management are themselves faculty along with other senior faculty members. Courses offered for degree students, BSc NZC Nutrition, BSc BZC, BBA, BCom Computers, BCom General. Courses offered for intermediate students, MPC, JEE and MCET, YPC, NEET and MCET, MEC, CACMA, CEC, CACMA, CEC Computer and Regular, 100% scholarship assistance, transport facility available. Hurry up, admissions are open. Success Junior College for Girls, Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.